समझो कि शिकारी बन गए, अगले चले बटेर आ जाएगा तो उन्होंने भुलेखा पै जाएगा शिकारी बन गए हैं। मैं क्या वो हाल खोटा हो गया। मैं क्या तुम इस लिए नहीं जीते कि थोड़े कपड़े सोने सी जब थोड़िया गल् जो सुना दम सी जीते इस लिए कि पहली बारी होया कि तुम कले कले घर आपके फार्म भेजे। पंजाब से ना जबान बड़ी वही गल कहते हैं, जबान होगी हम मर जाएंगे मगर पिछले भी हटा गए। किसी ने रजिस्ट्री करानी होना भाऊ हूं बयाना हो गया हूं नहीं पिछले हट सकते। जबान तुम लोगों की घर घर जाके फार्म भराए कि कर्जा कोई खत्म फसल की पूरी रकम। मैं क्या कैप्टन साहब तुम्हें चला का देना नहीं है सिस्टम जहा मोबाइल फोन, मगर मैं क्या मैं व्हाट्सएप मैसेज चलाना चाहना थोड़ा कि मनप्रीत सौर बादल का जेड़े बार बार कहते भावे आरतीए का कर्जा है भावे कोपरेटिव बैंक का कर्जा है कि भावे किसी बैंक दूजे का कर्जा कोई कर्जा भी सारे किसानों का माफ करता कि तुम फार्म भी भराए। किसान का नाम भी लगे वे प्यो का नाम भी लगे वह नंबर भी लग्या गुस्सा ना कर दो वो फार्म अच करना कि पकौड़े वाले दे जाते रहे पाइया पकौड़ा लै लो थले जोड़ा कागज जो पकौड़े फुक जाते हैं जरा ध्यान ना देखा उसे लिखा हूं विजेंद्र सिंह सनब बलविंदर सिंह पिंड मजीठा 10 लाख मां सीधा ही वह पकौड़े वाले ने भावे पाइए पकौड़े वाले के फार्म लग जाएंगे मगर पंजाब की सरकार का कांग्रेस पार्टी के कोलो फार्म नहीं लाते। हालात की बन गए कि जेड़ी वायदा करती तुम की अच 150 दिन नहीं सरकार का होया मगर 200 वध किसान अच खुदकुशी कर गया। एक किसान की तो चिट्ठी भी मैं लैके आया मेजर सौ तेरे घरों तो किसान शायद हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बारी होया कि कोई किसान एक चिट्ठी लिख गया कि मैं पहला वोट भी कांग्रेस को पाता सी ऐतकी पाई सी इस लालच न पाई सी कि मेरा कर्जा माफ हो जू मगर कर्जा तो की माफ होना सी प्याज लग लग के अब मेरा कर्जा बढ़ गया इस दुख तो कहता मैं खुदकुशी कर लग्या। भावो चिट्ठी से उन्हें सरकार को कैप्टन अमरिंदर सौ को जिम्मेवार भी करा गया। अब मैं मनप्रीत सौ बादल को पूछना चाहूंगा तुम तो पहला नारा लाते ना कर्जा कुर्ती खत्म फसल की पूरी रकम। मैं क्या हूं जरा पिंड से जाके चलो बंडोआ साहब ने व्हाट्सएप एक सुनाया मेरे वाला भी सुन लो अजकल व्हाट्सएप से मैसेज चलता कहते ना कर्जा खत्म ना कुर्ती खत्म केवल कांग्रेसियों की कुश्ती खत्म। कला एक काम होया कि थोड़े छिन्ने कांग्रेसी जी राजसा की कुश्ती उन्होंने मुकती जाती। मैं जिसे मनप्रीत सौ भी पूछना चाहता कि मेरा भी मैं होंदा का दुख है कर कहते हैं बादल साहब ऐसे जो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने जो मैंने लगता ब्रह्मपुरा साहब वर्गे सीनियर लीडरशिप ने मनप्रीत सौ गिदड़े की चोल जिताने बेअंत सिंह के खिलाफ तुम कले कले ने मत्था डाकिया तो पंथ का झंडा उच्चा किया जे वो पंथ का नहीं बन सकिया तो भावो थोड़ा बन जाना सी। उन्हें वायदा की करता चोन कमेटी का चेयरमैन कौन मनप्रीत सौ बादल ते चोन कमेटी का चेयरमैन अब पंजाब का खजाना मंत्री है। जे दिल च वफादारी हो मन च सोच हो कि मैं सरदार बादल के रस्ते से चल गया जे बादल साहब ने एक वायदा किया बबिया ने फिर माफ या 200 यूनिट माफ या पेंशन के शगल के मैं पूरे करते अब रब ने मैनू मौका दिता कि मेरी एक भुगी ने सारा कर्जा माफ हो जाना भुगी मारन की थान प्रभु कदे कमेटी बना देंगे है कदे ठंडे बस्ते च पा देंगे जिड़िया कमेटियां बनदिया ना जद ठंडे बस्ते च पाने मिलदिया ने। मैं पूछना चाहना थोनों कि तुम अनपढ़ हो गए कि थोड़ू गल समझ नहीं आती 6 महीने पहला तुम वायदा कुछ होर करते अच कुछ होर करते हो कह का भाव कि
मनप्रीत सिंह बादल ने तुम शहीद भगत सिंह का नाम आप सारे बड़े सत्कार कर लेंगे। शहीद आजम शहीद भगत सिंह करके उन्होंने सत्कार भी करते हैं, चरणा से शीस भी लवाने क्योंकि उन्होंने वड्डी देते संसार को। मगर मनप्रीत सिंह बादल ने चंद चक्की मारनी हो तो मनप्रीत सिंह बादल फिर शहीद भगत सिंह की हार से कि लोगों ने मेरे से बेभरोसगी नहीं करनी, उन्हों का नौ लैके फिर चक्की मारन की गल करता जी मैं निंदा करना। जो पार्टी बनानी सी जो सरदार बादल को अट होया उदो कि गया शहीद भगत सिंह नगर खटकर कला। मैनू नहीं लगता कि छोटे चो कोई घर सत्कार करता है, मगर उतों की मिट्टी चुम के मिट्टी को फर के सौ खाती सी कि मैं कदे कांग्रेस पार्टी का नहीं जाऊंगा। अज सरदार मनप्रीत सिंह बादल की गल हो गई शहीद भगत सिंह की मिट्टी की सौ खा के अब की मुश्किल हो गई कि अब तुम कांग्रेस पार्टी से बड़े फिरते हो। फिर दूजी गल कांग्रेस के हर कलैक्शन को पहला यह वायदा भी करता कि हर घर